हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी में आज समितियों की बात करेंगे, ठीक है। संसदीय समितियां, तो इनका विकास जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो देखो, वर्तमान में संसद में दोनों सदन में 45 समितियां हैं, जिनमें से 24 एक सदनीय हैं। समितियों का गठन जो है लोकसभा के सदस्यों या राज्यसभा के सदस्यों या दोनों को मिलाकर किया जाता है, तो इसमें दोनों भी हो सकते हैं या एक सदन की भी समिति हो सकती है। अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं, भारत में दो प्रकार की संसदीय समितियां हैं। पहली देखो स्थायी, दूसरी है तदर्थ, जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी है, जो विशेष कार्य के लिए बननी है। स्थायी समिति जो हर साल किसी खास काम के लिए बनती है। अब स्थायी समिति क्या है? प्रत्येक वर्ष समय समय पर नियमित रूप से सदन द्वारा निर्वाचित या अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है। तो पहली बात करते हैं वित्तीय समिति, लोकसभा की प्राक्कलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब देखो इसका काम क्या है, प्राक्कलन समिति करती क्या है, बजट के अनुमान की जाँच करती है, ठीक है, यह बताना कि क्या उसमें शामिल नीति मितव्ययिता से सुधार लाया जा सकता है शासन में, क्या बजट अनुमान में शामिल नीति की सीमा में रहकर ही बजट सही है या नहीं है। फिर है देखो अगली समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों में से नामजद किया जाता है। अब इसका कार्य देखो क्या है, उपक्रम समिति का, सरकारी उपक्रम का प्रतिवेदन और लेखा की जाँच, ठीक है, लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन की जांच। सीएजी क्या होता है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। अगली समिति है बहुत महत्वपूर्ण है, लोक लेखा समिति, इसे बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें 22 सदस्य हैं, 15 तो देखो लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं, ठीक है। तो 1967 के बाद से ये प्रथा है कि जो अध्यक्ष होगा लोक लेखा समिति का वो विपक्ष का कोई सदस्य होगा, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, सीएजी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करना। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये कांग्रेस के हैं। देखो क्योंकि सरकार मोदी जी की भाजपा की, तो विपक्ष की कांग्रेस सरकार से किसको लिया गया, अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में, ठीक है, पीएसी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखो कुछ विषयगत समितियां बनती है, जैसे कृषि से संबंधित, पर्यावरण वन से संबंधित और विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति। अब डिस्कस करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसद में प्रश्नकाल शून्यकाल। पहले बात करते हैं प्रश्नकाल, किसी मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कौन पूछेगा, सांसद पूछेंगे, ठीक है। तो यह समय संसद के दोनों सदन में प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे का होता है, तो ये ध्यान रखना 11 से 12 बजे सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। तो भारत सरकार से जुड़े मामले उठाए जाते हैं जो सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाते हैं। अब प्रश्नों के प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं संसद में। जैसे पहला देखो तारांकित प्रश्न, स्टार लगा होगा जिसमें, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, क्योंकि तुरंत चाह रहे हैं तो लेटर टाइप तो होगा नहीं, इसका उत्तर मौखिक दिया जाएगा। अतारांकित प्रश्न, जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित कहते हैं, इनका उत्तर सदन में नहीं दिया जा सकता, समय लगता है इसमें, तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसे। नेक्स्ट है अल्प सूचना प्रश्न, जो थोड़ी समय की सूचना में पूछ रहे हैं, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के हों, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जाता है, उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्प सूचना प्रश्न। फिर गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, संसद में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कहा जाता है, ठीक है। फिर होती है देखो आधे घंटे की चर्चा, ये भी होती है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है उनमें संबंधित जो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं उसमें भी चर्चा की जाती है। तो सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार को आधे घंटे की चर्चा, इसे नाम दिया गया, सामान्यतः ये शाम के समय होती है, ठीक है। अब देखते हैं शून्यकाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 0 आर। तो देखो शून्यकाल ज़्यादातर समय क्यों रखा गया, तो 12 बजे समय पूरा हो जाता है, तो 12 के बाद है ये समय, तो संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय सामान्य रूप से 12 से 1 चलता है, और ये शून्यकाल का नाम किसने दिया, समाचार पत्रों द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म आता है देखो गणपूर्ति या कोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है गणपूर्ति कोरम।
सदन की आवश्यक कार्रवाई चलाने के लिए जितने न्यूनतम सांसदों की आवश्यकता होती है उसे गणपूर्ति कहते हैं। मतलब इतने सांसद कम से कम आएंगे तो सदन आज चलेगा। तो ये संख्या कितनी होती है? 1/10। ध्यान रखना है, कोई भी सदन है उसकी 1/10 सदस्य आएंगे तभी संसद चलती है। तो उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम संख्या। ठीक है, धन्यवाद।